जिस हाल में हम बैठे हैं वो हाल धन्य है। वीर अब्दुल हमीद, कविताओं का आकलन टेंट से नहीं होता है, कविताओं का आकलन मंच से नहीं होता है, कविताओं का दादा आकलन साहित्य के बहने वाली कविता के प्रवाह से होता है। मैं समझता हूँ वो कविता का प्रवाह यहाँ हो रहा है, इसलिए मंच बहुत समृद्ध है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। मेरे कवि जीवन के दो बड़े किरदार हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसकी तस्वीर लगी है, एक ये वीर अब्दुल हमीद और दूसरा चंद्रशेखर। कौमी एकता की बात की जाती है, मैं भी कौमी एकता का पक्षधर हूँ, जो उसके नायक लोग हैं, जो उसके लोग बैठे हैं। एक मिनट का गुप्तगू करता हूँ। हिंदुस्तान सिर्फ कौमी एकता के नाम से नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर भी यूक्रेन जैसे नागरिक होने की क्षमता होनी चाहिए। 1100 के पहले हिंदुओं का देश था, फिर कुछ दिन मुसलमानों का देश हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तानियों का देश है। हम जब सब हिंदुस्तानी हो जाएंगे तब ये देश भव्य और दिव्य बनेगा, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं दो बातें कह के काव्य पाठ सूर साहब करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ वीर अब्दुल हमीद को। वो दृश्य आप याद कीजिएगा, जब एक हमारे विपक्षी देश की टैंक को उड़ाने के लिए सेना के इतने लोगों में वो वीर अब्दुल हमीद अपने पूरे शरीर में बम बंधवा रहा था, वो दृश्य याद कीजिएगा, कहीं उसकी आंखों में हिंदुस्तान रहा होगा। और दूसरा एक दृश्य आप याद कीजिएगा चंद्रशेखर आजाद को, जब उन्होंने सरकारी धन लूटा था, लूटने के बाद उनके माँ बाप भोजन के लिए मर रहे थे। एक मिनट आप सुनिएगा, मैं कविता शुरू करता हूँ। उनसे किसी ने कहा कि आप जाइए अपने माँ बाप को इस धन से कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान के लोगों को फर्ज है उनको भोजन खिलाएं। अगर मुझको मैं गया और अपने माँ बाप को देखा, उनकी हालत को देखा, तो धन तो नहीं दूंगा, लेकिन पिस्टल की एक गोली माँ के सीने पर और एक गोली बाप के सीने पर उतार कर आऊंगा। जब तक आज़ादी नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे पढ़ना कुछ दूसरा चाहता था, लेकिन वीर अब्दुल हमीद सभागार में हूँ तो वहीं से शुरू करता हूँ कि मैं बलिदानियों का वसूल लेकर आया हूँ, मैं बलिदानियों के वसूल लेकर आया हूँ, पुण्य पद चिन्ह के चरण धूल लेकर आया हूँ, पुण्य पद चिन्ह के चरण धूल लेकर आया हूँ। जिनकी जिनकी गौरव गाथा गाई जाती पूरे विश्व में, उन्हीं के वंदना में शब्द फूल लेकर आया हूँ, उन्हीं के वंदना में शब्द फूल लेकर आया हूँ, उन्हीं की वंदना में शब्द फूल लेकर आया हूँ। थोड़ा थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइएगा, उत्साह बढ़ाइएगा, चंदौली की धरती पर कुछ कहने की क्षमता बढ़ाइएगा। जितनी देर रहूं आपसे जुड़ा रहूं, उस देर आप मुझसे कनेक्ट रहिए। बस क्या है साहब, हिंदुस्तान का शौर्य क्या है? ये जो छोटी छोटी हरकतें हो रही हैं, इन हरकतों से हिंदुस्तान का कोई वास्ता नहीं होता है। सुनिएगा, हिंद के सूरवीरों के आगे सूरज सिर झुकाता है, हिंद के सूरवीरों के आगे सूरज शीश झुकाता है, देखकर दिव्य पुंज भव्य ललाट सागर भी बलखाता है, देखकर दिव्य पुंज भव्य ललाट सागर भी बलखाता है, और सुनकर त्याग तपस्या बलिदान की परिपाटी को, सुनकर त्याग तपस्या बलिदान की परिपाटी को, नभ को छूने वाला हिमगिर भी इठलाता है, नभ को छूने वाला हिमगिर भी इठलाता है, नभ को छूने वाला हिमगिर भी अथलाता है। ये हिंदुस्तान साहेब है, ये हिंदुस्तान का साहस है, ये हिंदुस्तान का शौर्य है। मैं तो गर्वित हूँ दादा, मैं गर्वित हूँ, मुझे गर्व है, मैं गर्वित हूँ कि मुझको भूषण दिनकर सा सम्मान मिला, मैं गर्वित हूँ कि मुझको भूषण दिनकर सा सम्मान मिला, हिमगिर पै पयोध संग में रहने को हिंदुस्तान मिला, हिमगिर पै पयोध संग में रहने को हिंदुस्तान मिला। और जिनकी गौरव गाथा गाई जाती पूरे विश्व में, जिनकी गौरव गाथा गाई जाती पूरे विश्व में, मैं गर्वित हूँ, मैं गर्वित हूँ कि मुझको भूषण दिनकर सा सम्मान मिला, मैं गर्वित हूँ मुझको भूषण दिनकर सा सम्मान मिला, हिमगिर पयोध संग में रहने को हिंदुस्तान मिला, जिनकी
गौरव गाथा गाई जाती पूरे विश्व में, उनके संग रहने को भी मुझको मेरा सम्मान मिला, उनके संग भी रहने को मुझको मेरा सम्मान मिला। चार चार पंक्तियों से जुड़ता हूँ और छंदों तक की यात्रा करता हूँ, आप तक बात पहुंचे और एक बार आपका हाथ खुले। क्यों वंदे मातरम का विरोध होता है, क्यों हिंदुस्तान में तिरंगे का विरोध साहब होता है? एक शब्द एक मिनट की भूमिका चाहता हूँ। भारत माँ जाते ही संयुक्त राष्ट्र संघ उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जयकारे के नारे क्यों लगते हैं, तुम्हारी जय क्यों बोली जाती है? भारत माँ जवाब देती है, आप सुनिएगा, वो कहती है कि हिंदुस्तान में करो और मरो का नारा हमने दिया, पौधे सांस लेते हैं इसको हमने खोजा, पूरे विश्व में किसी देश के जयकारे के नारे नहीं लगते हैं, अगर कहीं नारा लगता है तो हिंदुस्तान में भारत माँ के जयकारे के नारे लगते हैं। एक घटना से जोड़ता हूँ, एक आजादी का क्रांति दूत जेल में लाया जाता है और जब जेल में लाया जाता है माघ का महीना रहता है, उससे कहा जाता है कुछ राज उगल दीजिए, वो राज नहीं उगलता है, उससे कहा जाता है इसको जेल में डालो, रात को 12 बजेंगे ठंड बढ़ेगी, जब ठंड बढ़ेगी तो एक कप कपाएगा सब कुछ बता देगा। जब जेलर रात को 12 बजे जाता है तो वो डण करता रहता है और उसके सीने से पसीने से उसके पूरे शरीर से पसीना चूता रहता है। तब चार पंक्तियां साहब पढ़ता हूँ, माँ भारती जवाब देती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, अंजनि अमोघ आपके बीच में पढ़ता है, अगर एक एक हाथ खामोश रह गए तो मुझको लगेगा मेरा आना जो है व्यर्थ हो गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, माँ भारती जवाब देती है कि गूंजे गगन भेदी नारों से चहलो, गूंजे गगन भेदी नारों से चहलो, हम वो शंखनादे देते हैं, गूंजे गगन भेदी नारों से चहलो, हम वो शंखनादे देते हैं, जो सलाखों में कभी ना टूटे वो अटल इरादे देते हैं, हाथ उठा तिरंगा, हाथ उठा तिरंगा, जब लोग गीत गाए वंदे मातरम के, हाथ उठा तिरंगा, जब लोग गीत गाए वंदे मातरम के, फांसी के फंदे पड़ जाते हैं छोटे, हम वो औलादे देते हैं, फांसी के फंदे पड़ जाते हैं छोटे, हम वो औलादे देते हैं, फांसी के फंदे पड़ जाते हैं छोटे, हम वो औलादे देते हैं। और क्या हिंदुस्तान साहब है, जब बात हिंदुस्तान की परिध की होती है, मैं आपको एक परिध बताता हूँ जो लोग बैठे हुए होंगे। एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नायक खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ, जब वो भारत लाए गए, वहाँ की पाकिस्तान की सरकार जब दवा नहीं करा पा रही थी, इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, एक पोटली लेके चलते थे, इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि दादा अब तो बता दो इस पोटली में क्या रखा है। उनके पास एक कुर्ता था और उस पोटली में एक हिंदुस्तान का नक्शा था जिसमें पूरा हिंदुस्तान था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा, कि दहकती आग में पला हूँ। साहब हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं होती है, हम एक थे, कि दहकती आग में पला हूँ, राष्ट्रवाद के उन्माद का गान लिखता हूँ, आर्य का वंश हूँ, आर्य का वंश हूँ, आर्य देश के भूगोल का अभियान लिखता हूँ, नौजवानों का जोश और होश मंत्रमुग्ध ना हो जाए पायल की झंकार में, इनके लहू में भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान लिखता हूँ, इनके लहू में भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान लिखता हूँ, इनके लहू में भगत सिंह के सपनों का। रोहित भाई युवा कलमकार हैं, युवा तेवर हैं, हास्य की विधा के जनक हैं, आपका सम्मान करता हूं, यहां जो लोग युवा बैठे हैं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो 35 करोड़ में इतने ही लोग थे जो आजादी की शुरुआत किए थे, आप जैसे इतने से ही लोग थे, 35 करोड़ लड़ने नहीं गए थे, 25 करोड़ लड़ने नहीं गए थे, छोटे से लोग थे। जब दही से मक्खन निकलता है मित्र, तो आप इतने ही हो, एक एक पर 10-10 हो, हम समझिए पांडवों के बीच में कविता सुना रहे हैं, जोरदार तालियां आप एक बार फिर दीजिए। मैं लिखता हूं, हूं कलम का सिपाही अपना कर्म समझता हूं, मनोज भाई, हूं कलम का सिपाही अपना कर्म समझता हूं, दुख दर्द संवेदना के सारे मर्म समझता हूं, लिखूं गीत मल्हार या लिख दूं अंगार, जो हो राष्ट्र हित में उसे ही अपना धर्म समझता हूं, जो हो राष्ट्र हित में उसे ही अपना धर्म समझता हूं, जो हो राष्ट्र हित में उसे ही अपना धर्म समझता हूं। अपने कलमकारों से अनुरोध करता हूं, पूरे चंदौली से अनुरोध करता हूं कि तूफानों से लड़ो, रोहित तुमको समर्पित करता हूं, तुम्हारे बाबा जहां हो सुने और तुम्हारे पिता गौरवशाली हैं कि तुम जैसे पुत्र को जन्म देते हैं, सुनिएगा साहब आपके हाथ खुले, कि तूफानों से लड़ो लेखनी कुर्बानी लिख देती है, दमदार भाई, कि तूफानों से लड़ो
लेखनी कुर्बानी लिख देती है, वह बड़े किरदार की हमेशा बड़ी निशानी लिख देती है, वह बड़े किरदार की हमेशा बड़ी निशानी लिख देती है। लेखनी 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 जब भी स्वतंत्र होकर लिखती है, दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है, दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है, दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है। सर जुड़ते जाइए, एक बार जुड़ते जाइए। एक फिल्म का डायलॉग आया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। एक हमारे पड़ोसी देश के शायर ने फोन किया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा या नहीं रहेगा मैं नहीं जानता। मैंने उसको जवाब दिया, चार पंक्तियां शायर सुनिएगा, हर्ष का आप इतिहास उठा के देखिए, हमारे सुरेश अकेला जी अध्यापक के सुनिएगा साहब, हर्ष का इतिहास काल स्वर्ण काल था कि गौरवशाली इतिहास हमारा शीश पर हिम विराजता। एक प्रतापगढ़ का आया कर पूरे मानचित्र को चार पंक्तियों में खींचने का प्रयास कर रहा है कि गौरवशाली इतिहास हमारा शीश पर हिम विराजता, प्राकृतिक सुषमा ललाट पर हर कोई है निहारता। आप हिमाचल को याद कीजिए, प्राकृतिक सुषमा ललाट पर हर कोई है निहारता, गंगा जमुना कावेरी कल कल करती निनाद, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता। एक तिरंगा से जुड़ी जी, तिरंगा से जुड़े कविता के कुछ अंश रखता हूं, तो एक छंद रखकर अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा, क्या चाहता है, क्या चाहता है एक हिंदुस्तान का व्यक्ति, क्या चाहता है। अभी बात हो रही थी दादा, आपको एक छंद पहले समर्पित करता हूँ फिर पढ़ता हूँ। एक प्रचलन आया, ये हास्य के कवि हैं, इन्हीं को समर्पित कर देता हूँ। मनोज भाई सुनिएगा, कभी आते ही कहता है सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। अंजनी अमोघ ने प्रणाम के कुछ नियम बनाए, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले चिट्ठी जाती थी उसमें लिखा जाता था कि आदरणीय साण बनारसी दादा को यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद, प्रणाम काबिल हो तो प्रणाम ले लें, आशीर्वाद काबिल हो तो आशीर्वाद ले लें। लेकिन एक एक तर्क आया कि सभी को प्रणाम, सुनिएगा, कि उनको प्रणाम है जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको प्रणाम है कि हो गए बलिदान जो राष्ट्र बलि वेदी पर, ऐसे राष्ट्रभक्ति बलिदानी को प्रणाम है, हो गए बलिदान जो राष्ट्र बलि वेदी पर, ऐसे राष्ट्रभक्त बलिदानी को प्रणाम है, जिनके अंग अंग में दौड़ रहा स्वाभिमान, ऐसे देशभक्त स्वाभिमानी को प्रणाम है, चंद्रशेखर आजाद अशफाक उल्ला जैसे लाखों सूर वीरों की कुर्बानी को प्रणाम है, और हिंद में रहकर जो करे हिंदुस्तान से प्रेम, मेरा उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है, मेरा उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है, मेरा उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है। 3 मिनट की कविता के कुछ अंश पढ़कर बैठता हूँ, 3 मिनट में, 2 से 2.5 मिनट में एक तिरंगा जी 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 एक मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक मुक्तक आप सुनिएगा, तिरंगे का एक मुक्तक सुनिएगा। अभी ये पढ़ रहा था, कल्याण पढ़ रहा था, अपनी उम्र में अच्छा पढ़ रहा था, अगर यही भगत सिंह पढ़े होते तो हम आजाद ना होते, लेकिन अब इसको पढ़ रहा है कि इसको पढ़ने दिया जाए, इसको करने दिया जाए, क्यों मनोज भाई सुनिएगा। जितनी बार जन्म हो मुझको हिंदुस्तान वतन मिले, रहने इस जीवन में चंद्रशेखर जैसा मुझको यौवन मिले, रामकृष्ण बुद्ध गांधी के आदर्शों पर चलता रहूं, रामकृष्ण बुद्ध गांधी के आदर्शों पर चलता रहूं, जब जाऊं धरा पर तो इस तन को तिरंगा कफन मिले, जब जाऊं धरा से तो इस तन को तिरंगा कफन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत।